हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल स्टॉक एडवाइज़र में। दोस्तों आज हम बात करेंगे एक्सिस बैंक को लेकर। नमूरा की आज ही रेटिंग आई है एक्सिस बैंक को लेकर और उन्होंने एक्सिस बैंक पर बाय की रेटिंग लगा दी है। और जिस प्रकार से ये न्यूज़ आई वहाँ से एक्सिस बैंक में लगभग 3% की तेज़ी आज दिन भर में हमें देखने को मिली है। फिर भी मैं कहूँगा, देखिए बाइंग की रेटिंग तो आ चुकी है, फिर भी मैं कहूँगा कि एक्सिस बैंक को थोड़ा सा आपको संभल कर ही खेलना होगा। ये क्यों? क्योंकि देखिए क्वार्टर फोर और क्वार्टर वन के जो रिज़ल्ट आए थे एक्सिस बैंक के, मतलब पिछले दो क्वार्टर्स के जो रिज़ल्ट आए थे एक्सिस बैंक के, वो एक्सपेक्टेशन से थोड़े कम थे। मतलब जितना मार्केट ने एक्सपेक्ट किया था क्वार्टर फोर और क्वार्टर वन में, उतने अच्छे रिज़ल्ट एक्सिस बैंक को हमें एक्सिस बैंक में देखने को नहीं मिले। फिर भी इस शेयर्स में तेज़ी बनी हुई थी क्योंकि मार्केट में तेज़ी थी, तो उसी के साथ एक्सिस बैंक में भी तेज़ी बनी हुई थी। बट अब सिनारियो थोड़ा सा चेंज हो चुका है, मार्केट में बहुत ज़्यादा वीकनेस नज़र आ रही है और आने वाले कुछ दिनों में मार्केट में भी 10,500 10,400 तक भी नीचे जा सकता है। तो वो माहौल नहीं रहा कि भाई रिज़ल्ट ख़राब आ गए तो फिर भी शेयर्स भागने लगेगा। और एक्सिस बैंक के पिछले दो रिजल्ट क्वार्टर के जो रिज़ल्ट थे वो एक्सपेक्टेड नहीं थे, तो मुझे ऐसा लग रहा है कि जो इन्होंने टारगेट दिया है वो अचीव करना थोड़ा सा डिफ़िकल्ट नज़र आ रहा है। और पिछले बार भी इनके रिज़ल्ट ख़राब आए थे, उम्मीद से बहुत ख़राब रिज़ल्ट आए थे एक्सिस बैंक को, और इसको लेकर एनपीएस की भी समस्या थी। तो मुझे ऐसा लग रहा है कि टारगेट अचीव होना बहुत डिफ़िकल्ट है इनका। क्या ये दो तीन महीनों में अपनी कमेंट्री चेंज करते रहते हैं, नमूरा या फिर कोई भी इंटरनेशनल ब्रोकरेज हाउस? तो हमेशा हम उनकी कमेंट्री को सुनकर अपना टारगेट डिसाइड नहीं कर सकते, ये हमारे लिए बस एक रेफरेंस के तौर पर होता है। और ये बार बार अपनी कमेंट्री चेंज करते हैं, जैसे कि रिसेंटली रिलायंस को लेकर, रिलायंस की जो एजीएम थी एनुअल गैदरिंग मीटिंग, उससे पहले रिलायंस पर बहुत ज़्यादा कर्जा है, डेप्थ है, उसको लेकर बड़े बड़े ब्रोकरेज हाउस ने रिलायंस को डाउनग्रेड कर लिया था। और जब उनकी 42 एजीएम एनुअल गैदरिंग मीटिंग हुई, उसके बाद अच्छे अनाउंसमेंट हुए, तो बहुत बड़े बड़े ब्रोकरेज हाउस ने अपनी कमेंट्री को रिवर्स कर दिया और ऐसे बोलने लगे कि रिलायंस में अब पैसा आपका डबल हो जाएगा। फिर अब मार्केट में वीकनेस आई तो रिलायंस फिर से गिरने लगा। अब आने वाले कुछ एक दो महीनों में अगर रिलायंस और 1100 तक या फिर 1000 तक नीचे जाता है तो फिर से ये ब्रोकरेज हाउस जाग जाएंगे और इन स्टॉक के ऊपर नेगेटिव कमेंट्री करना शुरू कर देंगे। तो देखिए आपका जो व्यू होना चाहिए वो लॉन्ग टर्म के लिए होना चाहिए, और लॉन्ग टर्म के लिए एक्सिस बैंक एक अच्छा स्टॉक है क्योंकि पिछले क्वार्टर फोर और क्वार्टर वन में रिजल्ट ख़राब आने के बाद भी ये शेयर अच्छे पोजिशंस पर बना हुआ है। बट इस बार का सिनेरियो थोड़ा चेंज है, मैं बार बार वही बोल रहा हूँ कि मार्केट की हालत ख़राब है और पिछली बार इन्होंने अपनी कुछ अमाउंट को कुछ अलग कैटेगरीज में ऐड कर लिया था क्योंकि इनको ऐसा लग रहा था कि नियर बाय टर्म में उनको थोड़ा सा एक्सपोजर का सामना करना पड़ सकता है। इसी के चलते इन्होंने पिछले क्वार्टर्स में प्रोविजनिंग भी ज़्यादा की थी और कुछ डेब्ट कुछ अमाउंट को कुछ कैपिटल्स को इन्होंने कुछ कैपिटल्स को इन्होंने सेपरेटली क्लासीफाई कर लिया था, एक सेपरेट कैटेगरी में ऐड कर लिया था। तो मुझे ऐसा लग रहा है कि देखिए मार्केट का सिनेरियो, मार्केट का सिचुएशंस देखते हुए मुझे तो ऐसा लग रहा है कि एक्सिस बैंक में उतना पोटेंशियल्स नहीं है जितना आईसीआईसीआई बैंक और एचडीएफसी बैंक में मुझे नज़र आ रहा है। ठीक है, तो पहले हम नमूरा की कमेंट्री सुन लेते हैं। आज शेयर्स में लगभग 3% की तेज़ी देखने को मिली सितंबर 6 को, क्योंकि नमूरा ने इसके ऊपर बाय की रेटिंग लगा रखी है पर टारगेट प्राइस को थोड़ा घटा दिया है। पिछला बार जो उन्होंने टारगेट दिया था वो लगभग 900 रुपीज़ का था और इस बार का जो टारगेट आ रहा है वो 875 रुपीज़ का आ रहा है। तो नमूरा का ऐसा मानना है कि आने वाले कुछ दिनों में इनकी जो ग्रोथ रहेगी वो मॉडरेट रहेगी और 1-2% की ही ग्रोथ ये दे पाएंगे। ठीक है, तो इसी के चलते इन्होंने अपनी टारगेट प्राइस में लगभग 4-5% की गिरावट कटौती कर दी है। अब हम इसका चार्ट एनालिसिस कर लेते हैं। अभी मैंने आपके सामने एक्सिस बैंक का 1 ईयर का चार्ट लगा दिया है, तो आप देख सकते हो साल भर पहले इस शेयर्स में अच्छी इम्प्रूवमेंट देखने को मिली थी। मैनेजमेंट भी इसका स्ट्रांग है और स्ट्रांग डिसीजंस भी बनते गए और उसका इम्पैक्ट भी हमें एक्सिस बैंक के शेयर प्राइस पर देखने को मिला। बट हाल फिलहाल में देखिए रिज़ल्ट ख़राब आने के बाद और मार्केट की सिचुएशन चेंज होने के बाद इस शेयर्स में काफ़ी ज़्यादा करेक्शंस हो चुका है
और ऐसा लग रहा है कि ये शेयर इस प्राइस रेंज के ऊपर स्टेबल हो चुका है। तो देखिए यहाँ से इसमें अच्छी इंप्रूवमेंट देखने को मिलेगी। टारगेट भी बहुत ऊपरी दिया है नमूरा ने। नमूरा का लगभग ऐसा मानना है कि ये शेयर्स लगभग 875 रुपीज़ तक ऊपर जाएगा। देखिए बहुत डिफ़िकल्ट है, इवन इफ़ 1 ईयर के टाइम स्पैन की भी बात करें तो बहुत डिफ़िकल्ट है 875 का टारगेट अचीव करना। ठीक है, अगर यहाँ से हम कोई टारगेट की बात भी करें, देखिए ये इस प्राइस के ऊपर ही सेचूरेट हो चुका है, तो यहाँ से अगर मैं अगले टारगेट की भी बात करूँ तो ज़्यादा से ज़्यादा ये 800 तक ही ऊपर जा सकता है। 875 या फिर 900 का टारगेट रखना बहुत बहुत ही डिफ़िकल्ट होगा, क्योंकि रिज़ल्ट अच्छे नहीं आने वाले हैं आने वाले क्वार्टर्स के कोई भी बैंकिंग सेक्टर्स के लिए। मैं बार बार अपने वीडियो के माध्यम से वही बोल रहा हूँ कि आपकी नज़र अब क्वार्टर 2 के रिज़ल्ट्स के ऊपर होनी चाहिए। अगर आपके पास कोई भी स्टॉक है तो उसके क्वार्टर 2 के रिज़ल्ट कैसे आएंगे उस पर आपकी नज़र बनी हुई रहनी चाहिए। और एक्सिस बैंक प्राइवेट सेक्टर्स का एक जायंट स्टॉक है, आने वाले रिज़ल्ट इस पर इस स्टॉक के लिए बहुत मायने रखेंगे। तो करेक्शंस भी ज़्यादा हो चुका है और यहाँ से एक अच्छा रिवर्सल भी नज़र आ रहा है मुझे। ऐसा लग रहा है कि ये 800 रुपीज़ तक ऊपर जा सकता है, बट ये टारगेट आपका 1 ईयर्स के लिए होना चाहिए। अगर इसके रिज़ल्ट आने वाले रिज़ल्ट एक्सपेक्टेड से ख़राब आते हैं, एक्सपेक्टेशन से ख़राब आते हैं, तो ये शेयर्स में और भी गिरावट हमें देखने को मिल सकती है। तो अब अगर देखिए इस प्राइस के ऊपर से बात करूँ तो मुझे लगता है कि ये शेयर 800 तक ऊपर जा सकता है। अगर रिज़ल्ट ख़राब आए, कुछ मार्केट में और बुरी न्यूज़ का फ्लो जाली जारी रहा, तो लगता है कि ये शेयर्स फिर एक बार 620 रुपीज़ तक भी नीचे जा सकता है, जो इसका नेक्स्ट सपोर्टिंग लेवल है। ठीक है, बट फिर मैं एक्सपेक्ट करूँगा कि यही इसका बॉटम है। यहाँ से ये शेयर्स ऊपर जाने के संकेत हमें देता हुआ नज़र आ रहा है। बुलिश क्रॉस और काफ़ी दिन पहले ही यहाँ पर जनरेट हो चुका था और RSI की वैल्यू है 46। तो RSI और बुलिश क्रॉस और संकेत हमें दे रहे कि आने वाले कुछ दिनों में एक्सिस बैंक में हमें तेज़ी देखने को मिल सकती है। 800 का टारगेट रख के चलिए, आपको ये अच्छे रिटर्न्स देगा। बट फिर भी आपको बड़ी इन्वेस्टमेंट करने की ज़रूरत नहीं है। नमूरा ने कमेंट्री कर दी, इसका मतलब ये नहीं है कि ये शेयर्स भागेगा ही भागेगा। देखिए ये उनका अंदाज़ा है, और अगर वो इस बात को लेकर इतना ही श्योर होते तो नमूरा ही सबसे ज़्यादा होल्डिंग उठा लेते एक्सिस बैंक में। देखिए ये उनका अंदाज़ा है, मे बी ये गलत भी हो सकता है। ठीक है, तो कोई भी कमेंट्री देखकर आपको बिल्कुल भी भागना नहीं है कि भाई अच्छी कमेंट्री आ गई चलो एक्सिस बैंक उठा लेते, अच्छी कमेंट्री आ गई चलो यस बैंक उठा लेते, बिल्कुल भी नहीं। आपको अपनी खुद की सोच, आपका आपका खुद का व्यू बनाना पड़ेगा किसी भी स्टॉक को लेकर, और सिनारियों को पूरी तरीके से स्टडी करना होगा। कैश बचा के रखिए, आने वाले दिनों में आपको अच्छे मौके मिलेंगे, तब आप किसी भी स्टॉक में अच्छी अमाउंट इन्वेस्ट कर सकते हो। मैं कहूँगा 1-3 महीनों के लिए आपको न्यू या फ्रेश इन्वेस्टमेंट से बचना चाहिए, और जब मार्केट का सिनेरियो धीरे धीरे इम्प्रूव हो जाएगा उस वक्त आप इस बड़े जायंट स्टॉक में ICICI बैंक एक्सिस बैंक में आप पोजीशंस बना सकते हो। ठीक है, ये मेरी रिकमेंडेशंस थी, मेरी राय थी, आपकी राय आपकी ओपिनियन डिफरेंट हो सकती है। ठीक है, बट अभी तक मैंने जिस जिन भी स्टॉक पर कमेंट्री दी है उसमें लगभग 70-80% बातों को मैंने रिफ्लेक्ट होते हुए देखा है। ठीक है, तो आपकी राय आपका ओपिनियन यहाँ पर मैटर करेगा, मैं आपको बस सजेशंस दे सकता हूँ। ओके, तो खुद डिसीजन लीजिए और उसके बाद ही आप किसी प्रकार की पोजीशंस बनाने का सोचिए एक्सिस बैंक में। ऐसे नहीं कि एक्सिस आप नमूरा की कमेंट्री पढ़ ली, उठा लिया माल, फिर किसी ने बोल दिया सेल कर दो तो सेल कर दिया, ऐसे नहीं होता है। आपको खुद डिसीजन लेना पड़ता है और खुद भी रिसर्च करनी पड़ती है। ओके, सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल फॉर क्वालिटी ऑफ इन्फॉर्मेशन एंड रिसर्च। थैंक यू वंस अगेन।